दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंडी ऐप के बारे में। और कैंडी एक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे आपको आईडी क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पे एजेंसी ज्वाइन करना है, काम कैसे करना है और पेमेंट यहाँ से कैसे विड्रॉ करना है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट बता दूँ इस एप्लीकेशन का। तो दोस्त कैंडी एप्लीकेशन वीटॉक टीम का ही है, इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस एप्लीकेशन में कॉलिंग बहुत अच्छी है। साथ में यहाँ पे पेमेंट भी सेल्फ विड्रॉ है, मतलब जब भी आपने टारगेट अपना कंप्लीट किया आप अपने पेमेंट को खुद से ही विड्रॉ कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। बाकी एप्लीकेशन जैसे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइव रह के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑनलाइन रहना है और आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस और उसके बाद पेमेंट विड्रॉल तक का सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों में से दोस्त बहुत से मेंबर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमसे इस एप्लीकेशन का लिंक और एजेंसी कोड या रेफरल कोड लेके अपना आईडी क्रिएट किया है और यहाँ पे काम कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं अभी तक आईडी क्रिएट किया उनके लिए मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस एप्लीकेशन का लिंक दिया और वहीं पे रेफरल कोड या एजेंसी कोड भी है। आपने क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, आप आ जाएंगे गूगल पे और वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर नहीं है तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वार्निंग का भी मैसेज देगा, वो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है या अलाउ कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके एज स्ट्रीमर आपको यहाँ पे साइन इन करना है। जब आप यहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे तो एक तो मोबाइल नंबर से आपका आईडी क्रिएट होगा, उसके बाद से आपको अपनी 4-5 रियल फोटोज़ लगानी है। बहुत से मेंबर एआई जनरेटेड फोटोज़ लगाते हैं तो वो नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी आईडी अप्रूव नहीं होगी। फोटोज़ के बाद यहाँ पे जरूरी है आपका एज वेरिफिकेशन। तो एज वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का या पैन कार्ड का फोटो लगाना होगा जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। और ये फोटो क्लियर होना चाहिए, अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है तो फिर आपका आईडी अप्रूव नहीं होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक 15 सेकेंड की वीडियो क्लिप जिसमें आपको अपने बारे में कुछ भी बोलना है 15 सेकेंड के लिए। इसमें आप बता सकते हैं कि जो भी इस एप्लीकेशन में आप नाम रखना चाहते हैं वही नाम आप बोल दीजिए, रियल नाम बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कि मेरा नाम XYZ है, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, इसके पहले मैं फलाने एप्लीकेशन पे थी और वीकली मैं इतना रुपये कमाती थी, ठीक है। ऐसे कुछ बोल देना है, 15 सेकंड की वीडियो क्लिप आपको तैयार कर देनी है और वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ में जब एजेंसी कोड या रेफरल कोड पूछेगा तो वो भी मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, यही कोड आप डाल देंगे। उसके बाद आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो आईडी नंबर रहेगा वो एजेंसी को आपने व्हाट्सअप कर देना है ताकि अप्रूवल का प्रोसेस आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भेज दीजिए। जब ये आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से सारा बनाया होगा तो 24 से 48 घंटे में, मतलब 1 से 2 दिन में आपका आईडी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। जब आपका आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे इस तरह से नीचे आपका आईडी नंबर लिखा होगा, यही आपने एजेंसी को व्हाट्सअप करना है। और इस एप्लीकेशन में आपको ध्यान रहे कि स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए ये आपको टाइप करके एजेंसी को सेंड करना है। जब आपका आईडी यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो फिर देखिए जो इंटरफेस है यहीं पे ऊपर एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑनलाइन होने का। आप यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इस एप्लीकेशन का सैलरी शीट। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है कैंडी एप्लीकेशन का सैलरी शीट। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि देखिए जो भी वीडियो कॉल रहेगा आपको 100 बीन्स पर मिनट से लेके 200 बीन्स पर मिनट तक मिलेंगे। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है। अगर आपका लेवल 1 है तो 100 बीन्स आपको मिलेंगे पर मिनट के, लेवल 2 पे आपको 150 पॉइंट्स मिलेंगे पर मिनट और लेवल 3 पे आपको 200 बीन्स मिलेंगे पर मिनट के। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो सैलरी शीट है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास 20,000 बीन्स होते हैं तो उसके 200 रुपये बनते हैं। आप समझने के लिए मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे 1,00,000 पॉइंट अपने करते हैं या 1,00,000 बीन्स करते हैं तो उसके 1,000 रुपये होते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे कई तरह के रिवॉर्ड भी हैं, मतलब अगर आप डेली 8 घंटे के लिए लाइव रहते हैं या डेली 8 घंटे ऑनलाइन रहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं मिलते या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपके आईडी में एक देखिए सपोर्ट सर्विस का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर जो एजेंसी आपने ज्वाइन किया उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आपके आईडी में रिवॉर्ड है या नहीं है या फिर आईडी कब तक अप्रूव होगी, कोई भी दिक्कत है आईडी में तो आप कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपके 20,000 से ज़्यादा बीन्स हो जाते हैं तो विड्रो करने के लिए देखिए जो आपका प्रोफाइल है यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि माई अर्निंग के ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी अर्निंग है। डे वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेमेंट को विड्रो करने के लिए विड्रो के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, फिर जैसे आप देख पा रहे हैं कि KYC अभी मेरा प्रोसेस में है, ऐसे ही आपको यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है KYC के लिए। अब KYC के ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है कि जिनका भी आधार कार्ड आप या पैन कार्ड आपने लगाया है पहले, मतलब जिनका ये अकाउंट है उन्हीं का बैंक डिटेल यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे भी आधार कार्ड का फोटो अपलोड होगा या पैन कार्ड का फोटो लगेगा, उसके बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो 1 से 2 दिन में ये हमारा पेंडिंग दिखाएगा,
फिर जब ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना पेमेंट यहाँ से खुद से विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि कैंडी एप्लीकेशन में आईडी क्रिएट करना और काम करना, पेमेंट विड्रॉ करना, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ जरूरी नोट्स मैं आपको बता देता हूँ जो अगर आप इस एप्लीकेशन में लंबे टाइम तक अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको समझना जरूरी है। पहला तो ये कि जो भी आप यहाँ पे कॉल अटेंड करते हैं वो स्टार्टिंग के 2 मिनट तक AI मॉनिटर करता है, इसलिए आप यहाँ पे कॉल्स में कोई भी गलत एक्टिविटी या कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करें। दूसरी बात ये है कि जब भी आप यहाँ पे कॉल्स अटेंड करते हैं तो कॉल में या मैसेज में किसी भी यूज़र को अपना पर्सनल कोई भी कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम आईडी या कुछ भी, या पेमेंट स्कैनर आपको शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपकी आईडी यहाँ पे बैन हो जाएगी परमानेंट, और जो भी आपने काम किया होगा आपका पेमेंट वगैरह भी होल्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मेंबर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कैंडी एप्लीकेशन भी वीटॉक टीम का ही है, तो जो भी मेंबर ऑलरेडी वीटॉक पे काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आईडी क्रिएट करके काम कर सकते हैं, या फिर जिनका आईडी वीटॉक एप्लीकेशन में बैन हुआ है वो भी यहाँ पे आईडी क्रिएट करके काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।